लिए केंद्र व राज्य सरकारें अपने स्तर पर कदम उठा रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार को सियासी समर्थन भी मिलने लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने विधायकों से मुख्यमंत्री राहत कोष में 1-1 करोड़ रुपए कोरोना महामारी के लिए देने का आह्वान किया है। बहुजन समाज की तरफ से उठाए गए इस कदम की काफी सराहना हो रही है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने केंद्र सरकार से विश्व बैंक से मिली 100 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद का उचित इस्तेमाल करने को भी कहा है। शुक्रवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया कि देश भर में कोरोना वायरस की महामारी के प्रकोप के मद्देनजर खासकर यूपी के बसपा विधायकों से अपील है कि वे भी पार्टी के सभी सांसदों की तरह अपने विधायक निधि से कम 1 करोड़ रुपए अति जरूरतमंदों की मदद को जरूर दें। बसपा के अन्य लोग भी अपने पड़ोसियों का जरूर मानवीय ध्यान रखें। इसके साथ ही सरकार से विश्व बैंक से मिली 100 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद का उचित इस्तेमाल करने को लेकर भी मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि साथ ही केंद्र सरकार से भी अपील है कि विश्व बैंक से मिले 100 करोड़ डॉलर की कोरोना सहायता को विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में उचित इस्तेमाल करें ताकि कोरोना प्रकोप को सही नियोजित तौर पर रोका जा सके। जनता से भी अपील है कि वे आपदा की इस घड़ी में सरकार का सहयोग करें। पार्टी विधायकों ने अपने फंड से मुख्यमंत्री कोष में ये पैसे भेज दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी के बड़ी मदद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपने आप को बसपा को धन्यवाद कहने से नहीं रोक पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसपा सुप्रीमो मायावती को फोन करके मदद के लिए धन्यवाद किया। बहुजन समाज पार्टी जनता के हित के लिए सदैव तत्पर रहती है। जब देश इतने बड़े संकट से गुजर रहा है, ऐसे में बहुजन